क्या आप जानते हैं दुनिया की दो ताकतवर शख्सियतें यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत की पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह की कारों का इस्तेमाल करते हैं, ये कार कितनी पावरफुल होती है, किन सुविधाओं से लैस होती है? तो आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की कार की पूरी खासियत बताने वाले हैं। मोदी की कार BMW 7 सीरीज 760 Li भारत की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है और वहीं ट्रंप की लेमोजिन सबसे भारी टेक्नोलॉजी फीचर्स वाली कार है। उनकी कार में कई अलग अलग तरह की क्वालिटीज हैं। दोनों की कार देखा जाए तो ट्रंप की कार सबसे शक्तिशाली है, लेकिन स्पीड के मामले में मोदी की कार ट्रंप की कार से कई आगे है। ट्रंप की कार जहां 15 सेकंड में 100 की स्पीड को छूती है, वहीं मोदी की कार 6.1 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। तो दोस्तों, दुनिया के इन दो शानदार दिग्गजों के कारों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार। द बीस्ट है दुनिया की सबसे सुरक्षित कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत आ रहे हैं। उनकी खास कार भारत पहुंच चुकी है। जब वो भारत होंगे तो इसी कार में सवारी करेंगे। वैसे ट्रंप जब भी कहीं विदेश का दौरा करते हैं तो उनसे पहले ही ये कार वहां पहुंच जाती है। इस कार को दुनिया के सबसे करामाती और सबसे सुरक्षित कार कहा जाता है। माना जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद खास तौर पर जिस लिमोजिन कार को डोनाल्ड ट्रंप के लिए तैयार किया गया है, वो बेहद सुरक्षित और खासियतों से युक्त कार है। दुनिया के किसी भी राष्ट्रीय प्रमुख के पास ऐसी कार नहीं है। इस कार का नाम द बीस्ट है। जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विदेश दौरा करते हैं तो उनकी ये लिमोजिन कार कम से कम 14 वाहनों के काफिलों के बीच चलती है। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली डोनाल्ड ट्रंप की सबसे खास कार द बीस्ट जो भारत पहुंच चुकी है। ये कार राष्ट्रपति की जरूरतों के अनुसार डिजाइन की गई है। जब ट्रंप करीब 4 साल पहले प्रेसिडेंट बने थे, उसके कुछ महीने बाद उन्हें ये कार दी गई थी। ये कार बम प्रूफ और न्यूक्लियर अटैक प्रूफ है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से एकदम परफेक्ट। इस कार का हर पार्ट खास है जो समय पड़ने पर अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। ड्राइवर भी होता है बेहद खास। ड्राइवर खुद जाबाज कमांडर होता है। वो ऐसा खास शॉफर होता है जो किसी भी हालत में कार को ड्राइव करने में सक्षम होता है। उसका केबिन कांच से अलग रहता है। वैसे तो ड्राइवर की सीट के साथ पूरा कम्युनिकेशन सेंटर भी चल रहा होता है। ये वाहन GPS से लैस होता है। पीछे ट्रंप 6 या 7 लोगों के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन हर सीट को ग्लास से चैम्बर के रूप में अलग कर सकते हैं। इस ग्लास को ऊपर नीचे करने का बटन प्रेसिडेंट के पास होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस कार द बीस्ट को दुनिया के सबसे बेशकीमती और सबसे सुरक्षित कार कहा जाता है। बेहद खास है प्रेसिडेंट ट्रंप की सीट। जिस सीट पर प्रेसिडेंट बैठते हैं उसके बगल में सैटेलाइट फोन होता है, जिसे वो सीधे पिन डालकर और उपराष्ट्रपति से बात कर सकते हैं। उनके पास पैनिक बटन और ऑक्सीजन सप्लाई बटन भी होता है। राष्ट्रपति की ओर का गेट 8 इंच की मोटी स्टील, एल्युमिनियम, टिटेलियम और सेलेमिक का बना होता है। कार की विंडो और आगे के स्टीन ग्लास 5 लेयर की बनी होती है और हाँ, इसमें केवल एक विंडो ही खुलती है, वो भी केवल 3 इंच। ये ड्राइवर की विंडो होती है। बेजोड़ है द बीस्ट के सेफ्टी फीचर्स। अब इस लिमोजिन कार की कुछ और खासियतों के बारे में जान लीजिए। इसमें जो ईंधन भरा जाता है उसके साथ स्पेशल फॉर्म भी मिक्स किया जाता है ताकि उसमें कभी एक्सप्लोड ना हो। इसमें फायर फाइटिंग, TR गैस सिस्टम, मशीन गन चैम्बर, नाइट विजन कैमरा और खास टायर्स होते हैं। कार अगर पंचर भी हो जाए तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला और ना गति पर इसका कोई असर पड़ेगा। साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें खास तौर पर ये लिमोजिन कार डिजाइन करके दी गई थी। इससे पहले की राष्ट्रपतियों के लिए कैडिलैक कारों का इस्तेमाल किया जाता था। इस कार का दाम $1.5 million है, यानी कि भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 10 करोड़ रुपए है। हालांकि इस कार की सभी खासियतों के बारे में कभी नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मजबूत है। इसका वजन 20,000 पाउंड होता है। अब बात करते हैं भारत की सबसे खास और सुरक्षित कार की, जिसमें पीएम मोदी सवार होते हैं। देश की सबसे सुरक्षित कार में बैठते हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक कार BMW 7 सीरीज 760 Li है। इस कार को अमेरिका के प्रमुख कार निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स ने तैयार किया है। इस कंपनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट की कैजिलाइट कार को भी तैयार
तैयार किया है। इस कार को खास तौर पर तैयार किया गया है। इस कार में कई अत्याधुनिक फीचर्स के साथ साथ सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री की वाहनों की लिस्ट में हिंदुस्तान एवेस्टर का नाम सबसे लंबे समय तक रहा, लेकिन जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया कि एवेस्टर की जगह पर BMW 7 सीरीज 760 Li को प्रधानमंत्री की आधिकारिक कार बनाया गया। हालांकि इस कार की सही कीमत के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस कार की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी की कार की क्या है खासियत? ये BMW 7 सीरीज का हाई सिक्योरिटी वर्जन है। इसका भारतीय वर्जन जो कि बाजार में सामान्य ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, उसकी कीमत 1,35,00,000 रुपए है। पीएम मोदी की काफिली में ऐसी 3 कारें हैं जिनमें से एक का प्रयोग नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता है। ये एक बुलेट प्रूफ बख्तरबंद कार है। ये कार किसी भी तरह के हमले को आसानी से झेल सकती है। इस कार में कंपनी के 6 लीटर की क्षमता का 12 सिलेंडर युक्त B12 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कार को 5,250 RPM पर 544 BHP की पावर और 1,500 के RPM पर 750 mm का टॉप प्रदान करता है। इस कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा ये कार महज 1.6 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इस कार की रफ्तार का भी कोई जवाब नहीं है। ये कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। अब भेद किले की तरह है प्रधानमंत्री की कार। सुरक्षा के लिहाज से इस कार में कई बेहतरीन फीचर्स को शामिल किया गया है। ये कार टायर के पंचर होने के बाद भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 320 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इस कार की बॉडी में BR7 ग्रेड का प्लास्टिक प्रोडक्शन दिया गया है। बाहर से देखने में ये एक सामान्य 7 सीरीज कार की तरह ही दिखती है, लेकिन भीतर से इस कार में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। इस कार में ऐसे सेंसर दिए गए होते हैं जो कि बम या मिसाइल का पता लगा लेते हैं। इस पर ग्रेड का असर नहीं होता है और खिड़की पर 44 कैलिबर की हैंड गन से भी फायर किया जाए तो शीशे को कोई नुकसान नहीं होता। अगर कोई PM पर हमला करता है तो उस कार के अंदर बैठे PM बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। यानी कि ये कार AK-47 और ग्रेनेड जैसे छोटे मोटे धमाकों को भी आसानी से झेल सकती है। इस कंपनी ने इसकी बॉडी में 6 इंच मोटी टाइटेनियम प्लैटिनम प्लेट्स का प्रयोग किया है, जो कि अभेद्य है और इस पर किसी भी तरह के हथियार की गोली का कोई असर नहीं होता। इस कार की बॉडी में तकरीबन 4 टन वजन के स्टील का प्रयोग किया गया है। इस कार में ऑन बोर्ड फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी फ्रेश एयर सिस्टम, रन फ्लैट्स टायर, सेल्फ फिलिंग फ्लूइड टैंक और अटैक अलार्म जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। इस कार की बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। सबसे खास बात तो ये है कि इसका वजन काफी कम है और इसकी वजह से ये गोली की स्पीड से दौड़ सकती है। इस कार के टायर अगर पंचर भी हो जाएं तो भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।